वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त महिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड। तो आज हम बात करेंगे कुछ अनोखे फैक्ट्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। हवाई जहाज जिस ऊंचाई पर उड़ता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ साथ हवा का दबाव भी घट जाता है, लेकिन प्लेन के अंदर दबाव मेंटेन किया जाता है और लोगों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन किया जाता है। हवा में उड़ रहे जहाज के बाहर का दबाव धरती पर दबाव की तुलना में लगभग 5 गुना कम होता है। मतलब ये हुआ कि हवाई जहाज के अंदर दबाव ज्यादा और बाहर कम। खैर, बाहर का दबाव ऊंचाई के हिसाब से बदलता रहता है। इसके अलावा इसी छोटे से छेद की वजह से ग्लास पर भाप भी नहीं जमती है, जिससे खिड़की एकदम साफ रहती है। जबकि आपकी कार में सर्दी के टाइम पर एसी चलना और शीशा बंद करते ही शीशे पर भाप जम जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। महासागर किसे कहते हैं? महासागर पृथ्वी पर स्थित जल मंडल का मुख्य भाग होता है। यह सारे पानी का विशाल क्षेत्र होता है। ये बहुत ही गहरे और विशाल होते हैं। वास्तव में समुद्र के पानी का विस्तार ही महासागर की शुरुआत होती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, वही चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अंतरिक्ष में फैला रहता है, जहां ये सूर्य से आ रही सौर मंडल सोलार विंड और चार्ज कणों से पृथ्वी को बचाता है। पृथ्वी के जानवर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग अभिन्न विन्यास के लिए करते हैं। खोए हुए जानवर अपने घर के रास्ते नहीं खोज सकते, लेकिन समुद्री जानवर खोज सकते हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस बात के प्रमाण है कि समुद्री कछुए और सामान जैसे कुछ जानवर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने और नेविगेशन के लिए अर्थ का उपयोग करने के लिए क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु, इसकी खोज प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रस्टले और CW शेलेज ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसे सन 1772 में कार्ल शीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस से तैयार किया था, किंतु उनका यह कार्य 1777 में प्रकाशित हुआ। सन 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने म्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया। एंटोनी लेवोर्जियर ने इस गैस के गुण का वर्णन किया तथा इसका नाम ऑक्सीजन रखा, जिसका अर्थ है अम्ल उत्पादक। ऑक्सीजन के भी एक रंग होता है। गैस के रूप में ऑक्सीजन गंधहीन और रासायनिक होते हैं। अपने तरल और ठोस रूपों में हालांकि ये हल्का नीला दिखता है। पेट बनाम सितारे। नासा के विशेषज्ञों का मानना है कि मिल्की वे में आकाशगंगा में 100 बिलियन से 400 बिलियन सितारे कहीं भी हो सकते हैं। स्नोप्स की रिपोर्ट आकाशगंगा में सितारों की तुलना में पृथ्वी पर अधिक पेड़ हैं। पेड़ आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी हवा अधिक मात्रा में प्रदूषित होते जा रही है। हालांकि नेचर जर्नल में प्रकाशित 2015 के एक पेपर में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है तारों की तुलना में। केला। इस फल के बारे में आप सबने सुना होगा। केला आम के बाद भारत की महत्वपूर्ण फलों की फसल है। इसके स्वाद, पोषक तत्व और चिकित्सक गुणों के कारण यह लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। यह सभी वर्गों के लोगों को पसंद होता है। यह फल कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, विशेषकर विटामिन बी का उच्च स्रोत होता है। केला दिल की बीमारियों में खतरे को कम करता है और इसको अच्छा करने में भी सहायक होता है। कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से ही होता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। साधारण व्यक्ति रंग के हल्केपन या गहरेपन का भली भांति बोध कर सकता है, यानी कि परसेप्शन कर सकता है, पर इस रोग में व्यक्ति की रंगों के गहरेपन का बोध या रंगों को पहचानने की क्षमता लुप्त हो जाती है। ये थे हमारे आज के अनोखे फैक्ट्स। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल मिक्स माइंड और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।